माता रानी तो यार क्या ही खूबसूरत लग रही है। ऐसी हंसती हुई जो माता रानी होती है ना, लाजवाब दिखती है, लाजवाब। आग वाग ताप लेते हैं तो इन लोगों को ठंडी लग रही है, तो ये लोग ना अभी आग ताप रहे हैं, ये देख सकते हो आप लोग। बस ये वाली माता रानी आप लोग देख सकते हो, और पीछे जो है ना यार उनकी जो सवारी होती है शेर, वो पूरा ऐसा ना मतलब वाओ लग रहा है, वाओ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और ये मूर्तियों को ना कुछ इस तरीके से जो है सुखाया जाता है, ये देख सकते हो आप लोग, गीली मूर्ति है, उसको जल्दी सूख जाए इसलिए इस तरीके से गैस से जो है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अर्थ टू ब्लॉसम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं आ चुकी हूँ राधे श्याम चक्रधारी जी के यहाँ, और मेरे पीछे देख सकते हो ये मूर्ति काफ़ी ज़्यादा ऊँची है, मतलब मैं बहुत आगे आकर के ये वीडियो ले रही हूँ, तो ये मूर्ति जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और ये हमारे भिलाई ही मूर्ति जाने वाली है, मैं नहीं बताऊँगी कि कहाँ जाएगी, लेकिन भिलाई में जो सबसे ज़्यादा हाइटेड मूर्ति होती है ना, ये वही जाने वाली है और बहुत ही सुंदर दिखने वाली है। और यहाँ की मुझे अब तक की सबसे हाइटेड मूर्ति दिखी है। बाकी चलते हैं अंदर और देखो। गाइस ये देख सकते हो आप लोग, काफ़ी ज़्यादा बड़ी मूर्ति है, बहुत ही ज़्यादा हाइटेड है। ठीक है, और जो शेर है उसमें कलर होना जो है स्टार्ट हो चुका है, ये देख सकते हो स्प्रे पेंट किया जा रहा है अभी येल्लो कलर से, ये देख सकते हो आप लोग। आगे दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पर बहुत ही सारी अलग अलग टाइप की मूर्तियाँ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जो है भैया जो है शेर पे इस टाइप का काम कर रहे हैं, ये देख सकते हो आप लोग। फिर यहाँ पर ये वाली जो माता रानी ऐसे खड़ी हैं, और पीछे बैकग्राउंड में ना डिज़ाइन बनेगा। फिर यहाँ पर यदि आप लोग देख पाओगे ना, तो ये माता रानी है और ऊपर में देख सकते हो शिव जी है पीछे साइड में, और ये ऐसा पहाड़ों वाला लुक दिया गया है, ये देख सकते हो आप लोग। बहुत ही ज़्यादा ना सुंदर दिखने वाली है ये जो माता रानी है, उनका जो साड़ी वगैरह है ना, जब ये कलर शेड हो जाएगा ना, तो अलग शाम जी है मेन जो मूर्तिकार है उनका गोदाम है, ये देख सकते हो। यहाँ पर भी जो है माता रानी का जो है पेंटिंग का काम किया जा रहा है, ये देख सकते हो आप लोग। पूरा सफ़ेद कलर जो होता है ना, वो अभी पूरा पुताई किया जा रहा है, ये देख सकते हो माता रानी में। और ये वाला काफ़ी ज़्यादा अलग सा लग रहा है जो मूर्ति। तो गाइस ये देख सकते हो आप लोग, ये माता रानी है, और इस तरीके से ना पूरी 9 माता रानी आप लोगों को पीछे में देखने को मिल जाएंगी। और ओके शिव जी भी है, ये काफ़ी ज़्यादा ना बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने वाला है। इधर देख सकते हो भैया जो है दुर्गा माता रानी पे जो है सफ़ेद कलर कर रहे हैं यहाँ पर। और ये वाली जो माता रानी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को यूनिक दिखने वाली है ये, क्योंकि ये ऐसे रथ पे सवार है, वो गणपति पप्पा बैठे हुए हैं शेर की सवारी जो है उसके ऊपर, और भैया जो है उस पर काम कर रहे हैं। ये वाली देख सकते हो आप लोग कि ऐसा जो भैंस है उसके ऊपर शेर है, और उसके ऊपर हमारी माता रानी, ये देख सकते हो। अगेन यहाँ पर ये रथ वाली ही माता रानी है, ये दुर्गा माता रानी है, यहाँ पर भी दुर्गा माता रानी, ये देख सकते हो। बहुत सुंदर सुंदर आप लोगों को यहाँ पर मूर्ति जो है देखने को मिल जाएगी। ये देख सकते हो यहाँ पर आप लोग जैसा सिंहासन में बैठी हुई है माता रानी जो है। बहुत सारे ना आप लोगों को इस गोडाउन में यूनिक यूनिक सी मूर्तियाँ जो है देखने को मिलेंगी, ये देख सकते हो। ये जो है ना ऊपर पीछे साइड का जो बैकग्राउंड है ना, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है। हमेशा हम जो है क्या बोलते हैं स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में ही देखते हैं, बट ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है राउंड शेप में। और यार ये वाली माता रानी तो क्या ही दिख रही है, मतलब हाइट भी अलग है, और ना अलग ही एक लुक इनका क्रिएट किया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये देख सकते हो आप लोग, बहुत ही प्यारी प्यारी दुर्गा माता रानी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये देख सकते हो ये वाली माता रानी का अभी फेस का काम चल रहा है, और नीचे में जो है भैया जो है इनका पूरा जो है वाइट पेंट कर रहे हैं, ये देख सकते हो आप लोग। ये यहाँ पर और है, थोड़ी सी गीली है अभी। सुंदर सुंदर मूर्तियाँ जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी मैं और लेके जाऊंगी आप लोगों को अंदर में। यहाँ पर लगभग जो मूर्तियाँ जो है सूख चुकी है ना, उनमें सफेद कलर किया जा रहा है, देख सकते हो। अंदर भी लेके चलूंगी मैं अभी एक और गोडाउन।
का, जहाँ पर और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी जो मूर्तियाँ होती है ना वो मतलब बन रही है, ये देख सकते हो। ये वाला तो मैंने आप लोगों को दिखाया था शायद, है ना, ये देख सकते हो आप लोग। शेर लोग जो है आँख ताप रहे हैं अभी, वो लोगों को जो है एकदम ज़्यादा ठंडी लग रहा है, तो वो लोग बोले कि भैया कब से आँख ताप रहे हैं ये लोग, मेरे को भी गर्मी लग गई भाई। ये देख सकते हो यहाँ पर ना माता रानी जो है बैठी हुई है इस तरीके से, वो भैया जो है हाथों को जो है हाथ पे काम कर रहे हैं, और उनका जो नेल्स होता है ना, नाखून जो होता है उस पर जो है भैया जो है काम कर रहे हैं, ये देख सकते हो आप लोग। तो ये देख सकते हो बस ये वाली माता रानी आप लोग देख सकते हो, ये ना ऐसे खड़ी हुई है, ठीक है, और ये ना इनका बैकग्राउंड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अलग सा अनोखा सा लग रहा है, तो ये जब कलर हो जाएगा ना तो इनका एक्चुअल लुक जो है ना वो आएगा। ये देख सकते हो इधर अगेन ये वाली माता रानी देख सकते हो आप लोग। मैं तो इनका वेट कर रही हूँ यार, वाओ वाओ लग रही है, वाओ नहीं पूरा उनका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाथ बने हुए हैं, बैकग्राउंड लाजवाब शानदार। फिर ना ये वाली माता रानी सफ़ेद पेंट हो चुकी है, ये वाली माता रानी भी सफ़ेद पेंट हो चुकी है, ऐसा वाला तो मैंने आप लोगों को अभी जस्ट दिखाया था। देखने के लिए तो आप लोगों को एक से एक मूर्तियां यहाँ पर दिखने वाली है, मज़ा ही आ जाने वाला है, वाओ खूबसूरत। ये ऐसा ना आभूषण वगैरह जो होता है ना वो सब बनाया जाता है, ये देख सकते हो भैया लोग जो है ऐसा साँचा में डाल डाल के निकाल रहे हैं, और वाले जो भैया है वो सॉफ्ट वाला जो मिट्टी होता है ना वो बना रहे हैं, वो देख सकते हो मिट्टी को जो मिक्स करने वाला जो मशीन होता है ना वो। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो पता है ना आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, सो टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।